वेलकम अगेन इन दिस वीडियो लेक्चर क्लास। और आज हम लोग पीसी कल्चर के सेकेंड लेक्चर का स्टडी करेंगे। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने पीसी कल्चर का इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था और आज हम लोग मैनेजमेंट के बारे में, पीसी कल्चर यानी मछली पालन का मैनेजमेंट कैसे होता है। तो पीसी कल्चर मैनेजमेंट ऑफ पीसी कल्चर ऑल्सो कॉल्ड फिश कल्चर प्रोग्राम, इसको हम फिश कल्चर प्रोग्राम कहते हैं। तो पीसी कल्चर में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि डिफरेंट टाइप ऑफ पॉन्ड्स क्या होता है। हम लोग क्या करते हैं मछली पालन के लिए, हर स्टेज के लिए, मतलब डिफरेंट स्टेज ऑफ फिशेज के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ पॉन्ड्स बनाएंगे। ये पॉन्ड्स क्या होगा, फ्रॉम हैचिंग मतलब जहां से वो हैच आउट होगा, फ्रॉम स्टॉकिंग जहां पे वो ग्रोथ करेगा और स्टॉक करेंगे हार्वेस्टिंग से पहले, तो ये सारे पॉन्ड का हम लोग फॉर्मेशन करेंगे। तो सबसे पहले स्टडी करते हैं हम लोग कि मैनेजमेंट ऑफ पॉन्ड क्या है, ठीक है, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ पॉन्ड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्टेज। तो सबसे पहले क्या, मैनेजमेंट ऑफ पॉन्ड इज ऑफ ए ग्रेट सिग्निफिकेंस। क्यों ग्रेट सिग्निफिकेंस है, यानी पॉन्ड्स का मैनेजमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इट इन्वॉल्व ब्रीडिंग टू स्टॉकिंग पॉन्ड। क्या इन्वॉल्व करता है, ब्रीडिंग से स्टॉकिंग पॉन्ड तक, क्योंकि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फिशेज आर कैप इन डिफरेंट टाइप ऑफ पॉन्ड्स। सारे फिशेज के स्टेजेस को हम क्या कर सकते हैं, उसके हैचिंग, जो हमारा फ्राइज निकला, फिंगरलिंग निकला, फिर जो थोड़ा सा और अटेंड करेगा साइज, तो इस तरह क्या है डिफरेंट स्टेज के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप का पॉन्ड्स बनाते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, इसका रेयरिंग करेंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप के स्टेजेस जो है, ये पॉन्ड हमारा क्या है, स्टार्ट करते हैं हम लोग ब्रीडिंग पॉन्ड, यानी ब्रीडिंग जहां पे क्या होगा, ब्रीडिंग होगा और क्या होगा, एक जो है ले करेंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे, ब्रीडिंग पॉन्ड। ब्रीडिंग पॉन्ड का फर्दर क्या होगा, आपका एक और टॉपिक बनेगा क्योंकि ये बहुत ही लेंथी है। तो ब्रीडिंग टॉप पॉन्ड क्या होता है, ये सब फूड फिशेस स्पेशली क्रैब क्या करता है, आर कल्चर इन द पॉन्ड और टैंक। पॉन्ड या टैंक में क्या होगा, इसका कल्चर करेगा और स्पेशली ब्रीडिंग ग्राउंड इसका क्या होता है, नियर द रिवर बैंक, यानी मतलब पॉन्ड में रिवर में इजिली क्या करता है, ये ब्रीड करता है रिवर मतलब नदियों में, और आसानी से हर जगह नहीं कर सकता लेकिन नदियों में ये इजिली कर सकता है, ठीक है। लेकिन क्या करेंगे हम, ब्रीडिंग पॉन्ड में क्या करेंगे, बहुत सारे ऐसे पॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं जिसमें इजिली ब्रीड करता है, ठीक है। तो ये ब्रीडिंग पॉन्ड क्या होता है, नेचुरली ब्रीडिंग पॉन्ड, जिसको हम क्या कहेंगे, बंद ब्रीडिंग। नेचुरली ब्रीडिंग पॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, टुवर्ड द रिवर, रिवर के आसपास वाले इलाके में हम इसका फॉर्मेशन करते हैं जहां पे क्या है, मछलियां जो है, ये फिश जो है क्या कर सकती है, नेचुरली ब्रीड कर सकती है, ठीक है। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे है जो कार्प है, मेजर कार्प जो है वो कन्फाइंड है सिर्फ आपका कुछ पर्टिकुलर प्लेस के प्लेसेस में ही वो ब्रीड करती है, जैसे रिवर या रिवर के आसपास, तो उसके लिए हम लोग बंड ब्रीडिंग बनाते हैं। ये बंड ब्रीडिंग फर्दर क्या होता है, वेट बंद हो सकता है, ड्राई बंड हो सकता है, मॉडर्न बंड हो सकता है। तो इसके ऊपर, ब्रीडिंग पॉन्ड के ऊपर अलग से लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी को प्रोड्यूस करेंगे। दूसरा क्या है, इंड्यूस ब्रीडिंग। इंड्यूस ब्रीडिंग मतलब जब इजिली वो नहीं ब्रीड कर सकती है तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, आर्टिफिशियली क्या करते हैं, हम ब्रीडिंग कराएंगे। तो इस ब्रीडिंग को क्या कहेंगे, इंड्यूस ब्रीडिंग, ठीक है। यानी फिश फॉर्म आर बिल्ट टू बिल्ट अप चेन ऑफ पॉन्ड इन द रनिंग वाटर, ठीक है। और इस तरह हम क्या करेंगे, ब्रीडिंग पॉन्ड जहां वो क्या करेंगी, मछलियां ब्रीड करेंगी। उसके बाद हम क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ फिश सीड, फिश सीड का कलेक्शन करेंगे, ठीक है। बारी बारी से हम लोग सभी कुछ का स्टडी करेंगे, पहले हम लोग स्टडी कर ले ब्रीडिंग पॉन्ड, के बाद हम क्या करेंगे, जितने भी आपके ब्रीडिंग के बाद जो सीड यानी एग ले किया है उन सबका क्या करेंगे, कलेक्शन करेंगे। तो वो क्या हो गया, फिश सीड, मछलियों का दाना, या मछलियां मछलियों का दाना कह सकते हैं इंग्लिश में, क्या कहते हैं, फिश सीड। आफ्टर डैट उसको क्या करेंगे, हम फिश सीड को ट्रांसफर करेंगे कहाँ, हैचिंग पिट, जहां पे वो हैच आउट हो और फ्राइज में चेंजेस हो। हैच आउट फर्टिलाइज क्या होगा, हैच आउट होगा और फ्राइज में चेंज हो जाएगा। आफ्टर डैट उसको ट्रांसफर करेंगे कहाँ, नर्सरी पॉन्ड। नर्सरी पॉन्ड जहां पे हमारा फ्राइज को क्या करेंगे, रेयर करेंगे मतलब पालेंगे पोसेंगे, तो इसके लिए भी अलग टैंक है। तो इसलिए क्या है, अलग अलग पॉन्ड का निर्माण। हैचरिंग पिट है मतलब गड्ढा जहां हैच आउट होगा। उसके बाद रेयरिंग पॉन्ड, रेयरिंग पॉन्ड नर्सरी पॉन्ड से हम कहां ट्रांस, जब ये थोड़ा सा और साइज अटेंड कर लेगा, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, नर्सरी पॉन्ड से उसको कहां ले जाएंगे, रेयरिंग पॉन्ड में। और रेयरिंग पॉन्ड में क्या होगा, फिंगर मतलब फ्राई फिंगरलिंग्स को ट्रांसफर करेंगे कहां पे, रेयरिंग पॉन्ड। आफ्टर डैट वो और अटेंड करेगा साइज में, और फाइनली इसको कहां ले जाएंगे, हम स्टॉकिंग पॉन्ड में, और तब तक स्टॉक करेंगे जब तक ये अपना मैक्सिमम हाइट
वेट और लेंथ को अटेंड ना कर पाए और फाइनली उसका हम क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग। तो फ्रॉम ब्रीडिंग पॉन्ड टू हार्वेस्टिंग इज कॉल्ड पीस कल्चर प्रोग्राम और मैनेजमेंट ऑफ पीसी कल्चर। तो अब हम इसको बारी बारी देखते हैं। अब हम लोग कलेक्शन ऑफ फिश सीड कैसे करते हैं, ये हम लोग कलेक्शन, क्योंकि ब्रीडिंग पॉइंट के बाद किसका फॉर्मेशन करेंगे, कलेक्शन ऑफ फिश सीड। तो कलेक्शन ऑफ फिश सीड में क्या है, फिश सीड इज कलेक्टेड फ्रॉम द ब्रीडिंग पॉन्ड, जहां पे ब्रीड किया है वहां से हम क्या करेंगे, फिश सीड को कलेक्ट करेंगे। तो यहाँ फिगर में हम देख सकते हैं ये क्या है, ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ कार्प इन रिवर। तो ये रिवर मैंने बनाया है और ये ब्रीडिंग मतलब ग्राउंड है, या ब्रीडिंग पॉन्ड बोल, ब्रीडिंग ग्राउंड जहां पे उसने ब्रीड किया है। तो यहीं से हम कलेक्शन करेंगे किसका, फिश सीड का। ये जो मैं दिखाई हूँ फिगर, ये क्या है, फिश सीड। तो सबसे पहले क्या है, फिश सीड इज कलेक्टेड फ्रॉम द ब्रीडिंग पॉन्ड। तो ये ब्रीडिंग पॉन्ड हुआ, बेस्ट सुटेबल प्लेस फॉर कलेक्शन ऑफ फिश सीड क्या है हमारा, कर्व एरिया ऑफ रिवर। यहाँ पे देखिए, जहां पे कर्व एरिया होता है वहां पे क्या होता है, फिश सीड इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा कर्व एरिया है, यहाँ पे कर्व एरिया है, ये कर्व एरिया, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, फिश सीड को कलेक्ट कर सकते हैं। द स्पॉन कलेक्टेड नेटिंग, नेट का हम यूज करते हैं, और ये नेट का नाम क्या है, बंची जाल। इस जो स्पॉनिंग के लिए, स्पॉन या फिश सीड का जो कलेक्शन के लिए हम यूज करते हैं, ये बंची जाल है। और ये क्या होता है, इट इज फनेल से बिग स्ट्रक्चर है। फनेल में क्या होता है कि दोनों टाइप ओपन होता है, जो यानी फनेल से भी स्ट्रक्चर है जिसकी क्या है 10 to 20 feet है इन लेंथ और ओपन एट बोथ एंड। ठीक है, पोस्टीरियर एंड में क्या होता है, पोस्टीरियर एंड ऑफ द नेट इज अटैच्ड, कैसे अटैच रहेगा, रेक्टेंगुलर स्टफ पीस से, जो क्या होगा आपका 2 inch 1 into 1 inch का बना रहेगा, और इसी को हम क्या कहेंगे, गमछा। यानी फिश सीट को फ्रॉम द, हम क्या कहें, रिवर के क्या किए, बैकमेंट जहां पे किनारा है या कलेक्शन है, कर्व कर्वेचर है, वहां से हम क्या किए, उससे कलेक्ट किए। और इस फिश सीट को अब हम कलेक्ट करके क्या करेंगे, हैचरी पीट में क्या करेंगे, फर्दर हैचरी पीट में ट्रांसफर करेंगे। आफ्टर कलेक्शन ऑफ फिश सीड हम क्या करते हैं, उसको ट्रांसफर करते हैं हैचरी पीट में। तो हैचरी पीट का क्या खासियत है कि जहां पे फर्टिलाइज एग क्या होता है, हैच आउट होगा। तो फर्टिलाइज एग आर केप्ट इनटू हैचरी पीट फॉर हैचिंग, ये तो बहुत ईजी है। तो इसके लिए क्या होगा, बहुत सारे चीज को ध्यान रखना पड़ेगा, यानी फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन द माइंड व्हाइल फॉर्मिंग द हैचिंग पीट। ये हैचिंग पिट को बनाने से मैं बहुत सारा क्या है, ये हैचिंग जहां पे हैच आउट हो रहा था, मैं बहुत सारे चीजों की ध्यान रखनी पड़ेगी। ये क्या है, दिस शुड बी नियर, पहले तो क्या है, ये दिस शुड बी नियरर टू द ब्रीडिंग ग्राउंड, ब्रीडिंग ग्राउंड के पास होना चाहिए। ब्रीडिंग ग्राउंड मतलब जहां पे रिवर है, यानी रिवर के आसपास हमारा होना चाहिए। शुड बी स्मॉल इन साइज, इसलिए क्या कहे, हैचिंग पिट बोले, जहां हैच आउट मतलब इजिली हैच आउट हो, तो स्मॉल होना चाहिए। Should contain only that much water, उतना ही water होना चाहिए, which may be dry within a month or 2 months, जो सिर्फ एक या दो month के लिए ही क्या हो, dry हो, और बाकी समय में उसमें पानी हो। तो hatchery pit should be more in number, और क्या होना चाहिए, hatchery pit जो river के near है वो क्या हो रहा है, होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए, number में ज्यादा होना चाहिए। तो फर्टिलाइज एग को जब हम लाते हैं तो लगभग 2 to 15 hours में क्या होता है, वो हैच आउट होता है। तो इस तरह हैचरिंग पीट नॉर्मली क्या होता है, हैचरी पीट अलग से इसका वीडियो बनाएंगे जहां पे इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। तो हैचरी पीट दो तरह का होता है, एक हैचरीज और दूसरा हैचिंग हापा। हैचरी पीट जहां हैच आउट होगा, तो ये दो तरह का है, पहला क्या हैचरीज और दूसरा हैचरिंग हापा। तो हैचरीज में क्या होता है, कुछ ड्रॉबैक होता है, ये ड्राई हो सकता है, ठीक है, और ये आसपास क्या होता है, रिवर के आसपास ही होगा, लेकिन एक ये बनाया हुआ पीट है। लेकिन हैचरी हापा जो होता है, ये क्या होता है, रिवर में ही बनाया जाता है, और ये दो तरह का होता है हैचरी हापा। तो ये हैचरी से ज्यादा अच्छा क्या हुआ, हैचिंग हापा, ठीक है, और ये भी दो तरह का हो सकता है, फिक्स टाइप हापा और फ्लोटिंग टाइप हापा। फिक्स टाइप में क्या होगा कि मान लीजिए ये हमने हैचरीज का निर्माण किया, तो फिक्स टाइप में क्या होगा, वो फिक्स होगा, रिवर में क्या होगा, फिक्स होगा, ठीक है, और ये आपका है बम्बूस ट्री है, इससे ये फिक्स होगा। और फ्लोटिंग टाइप में क्या होगा, वो रिवर में क्या होगा, अलग अलग कंपार्टमेंट हापा बनाएंगे, जो क्या करेगा, वो रिवर में फ्लोट करते रहेगा, ठीक है। ये मान लीजिए हापाज है, हैचरीज हापा है, तो फिक्स टाइप में क्या होगा, वो बम्बू से कहीं पे फिक्स होगा। और फ्लोटिंग वाला क्या होगा, ये पानी में मतलब अगल बगल मतलब किनारा हम क्या करेंगे, इसको बम्बूज लगाएंगे, बाकी ये फ्लोटिंग करेगा।
तो रनिंग वाटर आएगा, तो फ्रेश रनिंग वाटर जो रिवर का है वो उसकी वजह से वो क्या होगा, हैच आउट इजिली होगा और बहुत अच्छे से होगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, हैचरीज पिट, ठीक है, जहां पे ये हैच आउट हो। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ हैचरी पिट वी ट्रांसपोर्ट द फिश फ्राई इनटू द नर्सरी पॉन्ड, और नर्सरी पॉन्ड में ट्रांसपोर्ट करने के लिए पहले इसे हम क्या करते हैं, बहुत सारी बातों का ध्यान रखते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन के समय मोर्टैलिटी ना हो जाए, फिश फ्राई जो हैच आउट हुआ है वो मोर्टैलिटी के लिए ना हो जाए, तो इसके लिए बहुत सारी बातों का ध्यान देते हैं। ये क्या है आपका, ट्रांसपोर्ट हम कर रहे हैं फिश फ्राई को कहाँ पे, नर्सरी पॉन्ड पे। ड्यूरिंग दिस टाइम फिश फ्राई आर कलेक्टेड, कहाँ से करेंगे, क्योंकि अभी कहाँ था ये, हैचरी में, तो हैचरी पीट से कलेक्ट करके इसको कहाँ ट्रांसपोर्ट करेंगे, नर्सरी पॉन्ड, जहां पे हम इसका फर्दर क्या करेंगे, इसको फिश फ्राई को थोड़ा सा और अटेंड करेंगे इसके साइज में। बिफोर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन से पहले क्या करेंगे, फ्राइज को हम कैप करेंगे समटाइम्स इन वाटर, कौन से वाटर में, जिसमें वो हैच आउट हुआ है उसी पानी में हम उसको थोड़ी देर रखेंगे, ठीक है, सर्टेन पीरियड के लिए। देन ट्रांसपोर्ट इनटू द ओपन और क्लोज वेसल्स, कोई ओपन या क्लोज घड़ा या वेसल्स जो हम कहते हैं हांडी बोलते हैं उसमें, इसको वेसल्स में इसको क्या करेंगे, के द्वारा ट्रांसपोर्ट करेंगे। ये भी ध्यान रखना है कि टेम्परेचर ऑफ वाटर और वेसल हमेशा क्या होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए ताकि उसमें मोर्टैलिटी जो है फिश फ्राइज की बहुत ही कम हो, और अगर मोर्टैलिटी हो जाती है तो डेड फिश फ्राइज शुड बी रिमूव करेंगे, क्यों, क्योंकि उसमें कोई टॉक्सिसिटी ना आ जाए, कोई अमोनिया का फॉर्मेशन ना हो जाए, यानी वाटर पॉल्यूशन और इन्फेक्शन ना हो अदर फ्राइज को। आफ्टर दैट फ्राइज आर ट्रांसपोर्टेड इन द सील्ड मटेरियल, सील्ड मटेरियल कंटेनर, और ये कंटेनर में हमेशा ऑक्सीजन का क्या होना चाहिए, आपका मेंटेन होना चाहिए ऑक्सीजन, और इसके लिए हम यूज कर सकते हैं एल्किन बैग, ठीक है, यूज कर सकते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन को ट्रांसपोर्ट करेगा फ्राई को कहां पर, नर्सरी पॉन्ड पे। तो नर्सरी पॉन्ड का प्रिपरेशन से पहले हम इन बातों का ध्यान देते हैं, नर्सरी पॉन्ड के बारे में हम स्टडी करते हैं कि नर्सरी पॉन्ड कैसा होता है। तो न्यूली हैच्ड फ्राई जो होगा वो क्या है, आर वेरी टेंडर, बहुत ही नाजुक होता है, सो ट्रांसपोर्टेशन नीड ऑलमोस्ट केयर, हमेशा केयर की जरूरत पड़ती है। फॉर बेटरमेंट नर्सरी पॉन्ड नियरिंग द हैचरी पीट, हैचरी हापा या पीट के आसपास ही हमारा नर्सरी पॉन्ड भी होना चाहिए ताकि ट्रांसपोर्टेशन तुरंत हो जाए और ज्यादा मोर्टैलिटी ना हो। आइडियल नर्सरी पॉन्ड के लिए हम क्या करते हैं, 15x13x4x5 इंच का हम पॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, यानी जो हमारा नर्सरी पॉन्ड है, जो नर्सरी पॉन्ड हम तालाब जो बनाएंगे उसकी लंबाई चौड़ाई ये क्या होनी चाहिए, लगभग इतनी जो होता है वो आइडियल मानी जाती है। इनफ्लो और आउटफ्लो, इसमें पानी अंदर आने और बाहर जाने के लिए, ताकि हमेशा पॉल्यूशन ना हो पाए, और इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ जो नर्सरी हमारा पॉन्ड है उसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। ऑल द प्रीडेटरी एंड वीड्स, जितने भी प्रीडेटरी है, खरपतवार है और प्रीडेटरी फिशेस है, उन सबको क्या करना चाहिए, शुड बी रिमूव्ड, ताकि वो जब छोटे से फ्राइज आए तो उसको वो खा ना जाए, ठीक है। केमिकल फर्टिलाइजर लाइक अमोनिया, क्योंकि पॉन्ड में क्या है आपका फूड का स्कैर्सिटी है, तो हम बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं, जैसे अमोनिया सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट और सुपर फॉस्फेट, ये ऐड कर सकते हैं 5 to 7 tons ऑफ काउडंग, गोबर का, काउडंग मतलब गोबर का पर हेक्टेयर, ताकि क्या हो उसमें मैन्योरिंग हो पाए, ठीक है। विद इन 10 to 20 days ऑफ एडिंग मैन्योरिंग, फाइटोप्लैंक्टन एंड जूओप्लैंक्टन डेवलप हो जाते हैं पॉन्ड में, और इट इज क्या होता है, फाइटोप्लैंक्टन जूओप्लैंक्टन क्या होंगे, डेवलप हो जाएंगे पॉन्ड में, तो ये क्या होगा, प्रोवाइड करेगा इनफ फूड टू द फिश फ्राई, जो वो फिश फ्राई है उसके लिए एक इनफ फूड बन जाएगा। तो नर्सरी पॉन्ड में मोर्टैलिटी कैसे हो सकता है, सडन चेंजेस इन क्वालिटी ऑफ वाटर फ्रॉम हैचिंग हापा टू नर्सरी पॉन्ड, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, लैक ऑफ सुटेबल फूड फॉर द फ्राइज, हो सकता है सुटेबल फूड जो है वो फ्राइज के पास नहीं है, तब भी क्या हो सकता है, नर्सरी पॉन्ड में मोर्टैलिटी हो सकता है फ्राइज का। ओवरग्रोथिंग ऑफ प्लैंक्टन, मैन्योरिंग के बाद क्या हो सकता है, ओवरग्रोथ हो जाएगा प्लैंक्टन का, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन डिप्लेशन, यानी डिप्लेटिंग ऑक्सीजन कंटेंट इन वाटर क्या होगा, वो कम हो जाएगा, क्योंकि सारा ऑक्सीजन को कौन ले लेगा, प्लैंक्टन, उसी से उसका ग्रोथ होता है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ प्रीडेटरी इंसेक्ट, हो सकता है कि नर्सरी पॉन्ड में कुछ प्रीडेटरी इंसेक्ट और प्रीडेटरी फिश क्या हो, प्रेजेंस हो, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, फिश फ्राई को वो क्या कर जाएगा, खा लेगा, जिसकी वजह से उसकी मोर्टैलिटी हो सकती है, अदरवाइज
कैनिबलिज्म की प्रोसेस हो सकती है और मोर्टैलिटी फिश रेट का बढ़ जाएगा। तो सम प्रिकॉशन हम करेंगे, सम प्रिकॉशन फॉर नर्सरी पॉन्ड। ये प्रिकॉशन क्या होगा, सर्कुलेशन ऑफ वाटर शुड बी अंडर कंट्रोल। हम सर्कुलेशन ऑफ वाटर को क्या करेंगे, अंडर कंट्रोल रखेंगे ताकि कोई भी तरह का पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन ना हो पाए। पॉन्ड शुड बी नियर द हैचिंग पॉन्ड, यानी मोर्टैलिटी से बचने के लिए जो प्रिकॉशन रखेंगे उसके लिए क्या है, पॉन्ड हमारा जो होना चाहिए, कौन सा पॉन्ड, नर्सरी पॉन्ड नियरिंग द हैचिंग पॉन्ड। फ्राई शुड बी केप्ट इन लिमिटेड नंबर, बहुत ही ज्यादा ओवर ग्रोथ नहीं होना चाहिए। प्रॉपर सप्लाई ऑफ फूड मटेरियल और पॉन्ड और क्या है, पॉन्ड शुड बी फ्री फ्रॉम प्रीडेटर, प्रीडेटर से फ्री होना चाहिए। और जब ये अटेंड कर लेता है 10-15 सेंटीमीटर फ्राइज, तो इसको ट्रांसफर कर देंगे हम रेयरिंग पॉन्ड में, यानी ट्रांसपोर्टेशन कहाँ हो जाएगा, रेयरिंग पॉन्ड में। और इस समय जो फ्राइज है, मतलब ये क्या है, फ्राइज छोटी होगी और फिंगर, जब फ्राइज हमारा 10-15 सेंटीमीटर हो जाएगा तो इसको क्या कहेंगे, फिंगरलिंग्स, यानी फिंगर के साइज की हो जाएगी, क्या हो जाएगी उसकी साइज, फिंगर। तो फिंगर की साइज हो जाएगा तो हम इसको क्या कह देंगे, फिंगर लाइंस, यानी फ्राइज चेंजिंग टू द फिंगरलिंग्स। और आफ्टर दैट इट ट्रांसपोर्ट करेंगे हम, कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करेंगे, इनटू द रेयरिंग पॉन्ड। हम लोग क्या करते हैं, रेयरिंग पॉन्ड के बारे में स्टडी करते हैं। फिंगरलिंग्स हमारे फिंगर्स के साइज के हो गई हैं, तो रेयरिंग पॉन्ड में क्या क्या होना चाहिए जिसमें वो अच्छे से ग्रोथ कर पाए, क्योंकि जो फ्राइज से वो फिंगरलिंग्स में चेंज हो गई है, तो फिंगरलिंग्स को क्या होना चाहिए, उसको फिजिकली ग्रोथ के लिए, उसको स्विमिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरत होता है। तो इसलिए सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि और के कंपैरिजन में रेयरिंग पॉन्ड जो होगा वो लंबाई में ज्यादा होगा। तो इसके सब पॉइंट देखते हैं कि रेयरिंग पॉन्ड कैसा होना चाहिए। फॉर गुड हेल्थ एंड ग्रोथ फॉर द फिंगरलिंग्स, द एक्सरसाइज इन इसेंशियल फॉर देम इनसाइड द रेयरिंग पॉन्ड, यानी वो इजिली क्या करे, स्विमिंग करे, क्योंकि स्विमिंग के दौरान क्या होगा, उसका अच्छा एक्सरसाइज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी हेल्थ और ग्रोथ पे, किसके, फिंगरलिंग्स पे असर पड़ेगा और वो क्विक फास्ट क्या होगी, ग्रोथ करेगी। सो दिस फिंगरलिंग्स आर रेयर इन लॉन्गर एंड नैरो पॉन्ड, कैसा होना चाहिए हमारा, आपका रेयरिंग पॉन्ड कैसा होना चाहिए, लंबाई में, ज्यादा लंबाई में होना चाहिए, यानी रेयरिंग पॉन्ड लंबे, ताकि वो स्विमिंग करने में उसको इजी पड़े, ठीक है, यानी पॉन्ड टू प्रोवाइड द लॉन्ग डिस्टेंस फॉर स्विमिंग। आफ्टर दैट द रेयरिंग पॉन्ड्स आर केप्ट फ्री फ्रॉम द टॉक्सिकेंट, जितने भी पॉलिटेंट होना चाहिए, हैवी मेटल होना चाहिए, टॉक्सिकेंट होना चाहिए, उससे फ्री होना चाहिए, साथ ही साथ प्रीडेटर, ताकि इन फिंगर्स लिंग्स को क्या करे, कोई आपका प्रे समझ के इसको प्रीडेटर ना खा जाए। द डेप्थ ऑफ द पॉन्ड शुड बी नॉट बी एबल देन, मतलब 6 फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, स्विमिंग के लिए लंबाई तो होनी चाहिए लेकिन ये फिट कितनी होनी चाहिए, 6 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और कंटेन फूड मटेरियल्स अकॉर्डिंग टू इट्स पॉपुलेशन ऑफ फिंगरलिंग, जितने पॉपुलेशन है उसके हिसाब से उसमें जो प्लैंकटॉन, फाइटोप्लैंकटॉन और उसके फूड्स जो है जरूरी है। ऑन अटेनिंग द लेंथ, जब ये 2 सेंटीमीटर का हो जाएगा तो इस फिंगरलिंग्स को, ये जब साइज में क्या हो जाएगा, फिंगरलिंग्स हमारे जो मछली के बच्चे हैं वो फिंगरलिंग्स जब थोड़े बड़े हो जाएंगे, 2 सेंटीमीटर का हो जाएगा, तो हम इसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, स्टॉकिंग पॉन्ड में, जहां भी वो स्टॉक करेंगे। तो स्टॉकिंग पॉन्ड में जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन के समय भी बहुत सारा चीज का ध्यान देना पड़ता है कि ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन इनकी मोर्टैलिटी ना हो। रेयरिंग पॉन्ड से स्टॉकिंग पॉन्ड के ट्रांसपोर्टेशन के समय फिंगरलिंग्स का हम क्या करेंगे, विशेष ध्यान देंगे। तो ये ट्रांसपोर्टेशन के समय फिंगरलिंग्स में हम क्या क्या सावधानियां या प्रिकॉशन देखते हैं, तो फिंगरलिंग्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम रेयरिंग पॉन्ड टू स्टॉकिंग पॉन्ड इन कंटेनर, जिस जहां पे हम ट्रांसफर करेंगे तो उसको जिस कंटेनर में रखेंगे, तो वो कंटेनर में कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए वाटर का, 1000 लीटर कैपेसिटी वाला कंटेनर होना चाहिए। और उसके कंटेनर क्या है, सच कंटेनर में क्या होना चाहिए, इंटरनली लाइन होना चाहिए आपका फोम का, ठीक है। मान लीजिए हम जो भी हांडी या जो भी ले रहे हैं उसका कैपेसिटी, या जो भी बॉक्स, कैसा भी बॉक्स ले रहे हैं, तो वो कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, 1000 लीटर की। और उसका इंटरनली क्या होना चाहिए, फॉर्म का क्या होना चाहिए, एक लाइनिंग होना चाहिए, और इसी में हम क्या करेंगे, फिंगरलिंग्स को रखेंगे, ठीक है, ताकि क्या हो, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ये क्या हो, इनको कोई इंजरी ना हो, ये वॉल से टकराए तो ये क्या हो, इनकी मोर्टैलिटी रेट कम हो। तो क्या है, सच कंटेनर आर इंटरनली लाइंड विथ फोम टू अवॉइड फिजिकली इंजरी, ठीक है। प्रॉपर एडेशन, उस पानी में हमारा क्या होना चाहिए, डिजॉल्व ऑक्सीजन का क्वांटिटी आपका सही होना चाहिए, क्योंकि उसी ऑक्सीजन को लेके वो क्या करेंगे, सर्वाइव करेंगे। और ट्रांसपोर्टेशन के समय हमें यह भी ध्यान देना है,
कि उनको क्या करे आपका मतलब कुछ उनको इनएक्टिव करके रखे। इसके लिए हम बहुत सारे केमिकल यूज करते हैं ताकि इजिली मोटी क्या हो ट्रांसपोर्टेशन हो ज्यादा, वो उस पीरियड के समय ट्रांसपोर्टेशन के समय ज्यादा एक्टिव ना हो, क्योंकि ज्यादा एक्टिव होंगे तो वो मोर ऑक्सीजन का कंजप्शन करेंगे। तो इसी को देखते हैं। प्रॉपर एरेशन इन द टैंक इज इसेंशियल फॉर ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, द फिंगरलिंग्स आर मेड इनएक्टिव ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन बाय गिविंग देम। हमने बताया कि उसको क्या करना है, इनएक्टिव करना है, मेड इनएक्टिव। ठीक है, कुछ आप केमिकल देखिए या उसको कहते हैं सेडेक्टिव। ये केमिकल क्या है, सोडियम एमाइलेट हो सकता है या सोडियम बारबी फ्यूरेट हो सकता है, और ये हेल्प करेगा लेस कंजप्शन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, ताकि वो डिजॉल्व ऑक्सीजन, इसमें जो डिजॉल्व ऑक्सीजन हो वो फिंगरलिंग्स के द्वारा कम यूज हुआ हो। ठीक है, फिंगरलिंग शुड बी प्रॉपरली वास्ट। जब हम इसको स्टॉकिंग पॉन्ड में डालेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन के समय हम उसको क्या किए हैं, सेडेप्टिव केमिकल्स दिए हैं, तो उसको वॉश करेंगे और तब हम क्या करेंगे, यानी फिंगरलिंग शुड बी प्रॉपरली वास्ट बिफोर ट्रांसपोर्टिंग देम। ठीक है, यूज ऑफ एंटीबायोटिक, कुछ हम एंटीबायोटिक भी यूज करते हैं, जैसे एक्यूरियम में भी हम डालते हैं। तो ये एंटीबायोटिक क्या है, मिथिलीन ब्लू है, कॉपर सल्फेट है, पोटेशियम परमैंगनेट है, कॉमन साल्ट है, और ये क्या करेंगे फिंगरलिंग्स को गिव करेंगे ताकि फिंगरलिंग्स क्या करेगा, प्रोटेक्ट हो फ्रॉम आपका पैरासाइट को, इसको अफेक्ट ना करे कोई डिजीज ना, और कोई प्रीडेटर इसको अफेक्ट ना करे। फर्दर ट्रांसपोर्टेशन हम किए फिंगरलिंग्स को कहां पे, स्टॉकिंग पॉन्ड में। तो अब स्टॉकिंग पॉन्ड भी हमारा क्या होना चाहिए, हम उसका प्रिपरेशन करेंगे, लेकिन स्टॉकिंग पॉन्ड के लिए क्या करेंगे, स्टॉकिंग पॉन्ड नंबर में ज्यादा होना चाहिए, जहां पे हम इसका फुल ग्रोथ और लेंथ की ब्रेथ की तब तक रखेंगे जब तक ये फुल आपका ग्रोथ ना कर जाए, और फिर इसको हार्वेस्ट करेंगे। तो अब हम स्टॉकिंग पॉन्ड के बारे में स्टडी करते हैं कि स्टॉकिंग पॉन्ड कैसा होना चाहिए। तो बिफोर ट्रांसफॉर्मिंग द स्टॉकिंग पॉन्ड हम क्या करेंगे, फिंगरलिंग जो भी है हमारा उसको डालने से पहले, उस स्टॉकिंग पॉन्ड में रखने से पहले हम क्या करेंगे, उस जितने भी स्टॉकिंग पॉन्ड है उन सबको क्लीन कर लेंगे, यानी क्लीन्ड ऑफ वीड एंड फ्री फ्रॉम प्रीडेटरी फिश, ताकि उसको कोई प्रीडेटर खा ना जाए। सफिशियंट फूड इज इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ फिशेस, और ये सफिशियंट फूड के लिए हम क्या करेंगे, उसको प्रॉपर मैन्योरिंग शुड बी डन। ठीक है, ये क्या करता है, इंक्रीज करेगा द प्रोडक्शन ऑफ, क्या करेगा, जो हम मैन्योरिंग करेंगे तो क्या करेगा, उस पॉन में जो प्लैंकटॉन और फाइटोप्लैंकटॉन का नंबर को इंक्रीज करेगा, जो उसका क्या है, नेचुरल फूड होगा। दिस प्रोवाइड इनफ फूड, यही आपका जो प्लैंकटॉन और फाइटोप्लैंकटॉन क्या होगा, इनफ फूड होगा फॉर द ग्रोथ ऑफ फिशेज। ठीक है, फॉर मैन्योरिंग, हम मैन्योरिंग के लिए क्या कर सकते हैं, सबसे बेस्ट है कि काउ डंग गोबर को क्या है यूज कर सकते हैं, यानी काउ डंग इज द बेस्ट, और इट इज एडेड टू एट द रेट ऑफ 2 to 20 to 25 tons per hectare। ठीक है, सम फर्टिलाइजर, हम केमिकल फर्टिलाइजर भी यूज कर सकते हैं, जैसे सुपर फॉस्फेट, अमोनिया नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, ऑल्सो एडेड इन द रेट ऑफ, कैसे एड करेंगे, 1000 to 15 kg per hectare। ठीक है, लेकिन बेस्ट क्या होगा हमारा, कॉर्डन से करेंगे तो ये क्या होगा, नेचुरल वे होगा, बेस्ट टाइम। उसके बाद हमें ये भी ध्यान देना है कि जो फिंगरलिंग्स को हम, हमारा ग्रोथ हुआ उसको स्टॉकिंग के लिए रखे हैं, तो इसकी फीडिंग की टाइम भी हमारा ध्यान देना। तो ये बेस्ट फीडिंग टाइम इसकी क्या होती है, मॉर्निंग आवर होती है, यानी उनको फीडिंग के लिए जो भी हम आर्टिफिशियल फूड दे रहे हैं वो मॉर्निंग के टाइम में दे सकते हैं। तो आर्टिफिशियल फूड में हम क्या क्या दे सकते हैं इसको, पाउडर्ड राइस, पैडी, मस्टर्ड, सरसों के दाने, ग्राउंड नट, ऑयल केक, ठीक है, आर यूज एज आर्टिफिशियल फूड। और ये क्या है, क्यों हम इसको ये सब क्यों यूज करते हैं, कि क्योंकि ये इजिली डाइजेस्टेबल है, इसको इजिली ये डाइजेस्ट कर सकता है, और चीपर भी है, सस्ता भी होगा, और क्वांटिटी ऑफ जो फूड है और अमाउंट ऑफ हमारा जो फर्टिलाइजर है ये डिपेंड करता है कि पॉन्ड की साइज क्या है और नंबर ऑफ फिश कितनी है। तो आफ्टर दैट स्टॉकिंग पॉन्ड ये जब साइज में ग्रो करेगा तो हम उसका क्या करेंगे, हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग क्या होता है, जब फुली ग्रो कर जाता है फिशेज तो हम क्या करते हैं, उसको हार्वेस्टिंग करेंगे, यानी उसको मार्केट प्लेस में हम क्या करेंगे, उसको ले जाएंगे। ठीक है, तो द फिशेज आर हार्वेस्टेड व्हेन दे अटेन मैक्सिमम लेंथ, जब वो मैक्सिमम लेंथ और वेट का हो जाएगा तो हम इसको क्या करेंगे, हार्वेस्ट करेंगे। और अगर फिशिंग के दौरान हमारा स्मॉल फिशेज आ जाए तो उसको हम अगेन क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे स्टॉकिंग पॉन्ड में फॉर द फर्दर ग्रोथ, ताकि उसकी ग्रोथ हो, क्योंकि मार्केटिंग वैल्यू हमारा कौन सा मिलेगा, मैक्सिमम वेट और लेंथ वाले फिश का।
वेल ग्रोन फिशेस को हम क्या करेंगे, टेकन आउट फॉर द मार्केटिंग, मार्केटिंग प्लेस में ले जाएंगे, और इस तरह हम उसका क्या करेंगे, मार्केट में बेच के क्या करेंगे, इकोनॉमिक वैल्यू हमारा उसका बढ़ जाएगा और हम क्या करेंगे उससे पैसे अर्न कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्दो आजकल देखा मतलब अब क्या है कि पॉन्ड कल्चर अरोज इन बंगाल एंड बिहार यूपी, ठीक है, पहले तो ऐसा होता था लेकिन अब क्या है हर जगह, इज नाउ प्रैक्टिस इन ऑल अदर स्टेट थ्रू सेंट्रल एंड स्टेट फिशरी डिपार्टमेंट हो गया, जहां पे हम क्या करते हैं बहुत सारे मछलियों का, अलग अलग तरह के मछलियों का क्या करते हैं मैनेजमेंट करते हैं या कल्चर करते हैं, जिसको फिश कल्चर या मैनेजमेंट मैनेजमेंट ऑफ फिशी कल्चर कह रहे हैं, और इसमें हम किसका किसका मैनेजमेंट करते हैं, जैसे कार्प है, मुलेट फिश है, मेजर स्कार्प जो है, रहू, कतला, सिजना, मिगाला, मुलेट का, मिल्क फिशेस का, तेलापिया एक्सेट्रा, ये सब क्या कर सकते हैं, ऑल्सो रेयर फॉर द लार्ज स्केल फॉर पीसी कल्चर। तो पीसी कल्चर का ये मैनेजमेंट का मैनेजमेंट जो था, मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा ध्यान देना था क्या, पॉन्ड्स का, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉन्ड्स। मैनेजमेंट ऑफ पीसी कल्चर में हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे क्या है, या फिश कल्चर प्रोग्राम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉन्ड्स हम बनाते हैं जो आपने पढ़ लिया, फ्रॉम ब्रीडिंग ग्राउंड टू मार्केटिंग प्लेस तक आपने जाना। तो ये डायग्रामेटिक फिगर है किसका, हमारा पीसी कल्चर का, मैनेजमेंट ऑफ पीसी कल्चर का, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉन्ड का। आप यहाँ देख सकते हैं ये फर्स्ट में मैंने क्या बनाया है, ब्रीडिंग पॉन्ड, ब्रीडिंग पॉन्ड, और ब्रीडिंग पॉन्ड क्या हो गया, नियर द रिवर, रिवर के पास होगा, ठीक है। अब ब्रीडिंग पॉन्ड के बाद ये मैंने क्या बनाया है, हैचिंग पिट, ठीक है, क्योंकि ब्रीडिंग के बाद ये क्या करते हैं, उसको ट्रांसफर करते हैं हैचिंग पिट में। तो हैचिंग पिट ये देखिए मैंने क्या बनाया है, हैचरीज बनाया है, और ये हैचरीज हापा जो है फ्लोटिंग टाइप है, यानी ब्रीडिंग पॉन्ड के क्या होना चाहिए, नियर ही हमारा क्या होना चाहिए, हैचिंग पिट। आफ्टर दैट हैचिंग पिट के बाद हम इसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं, नर्सरी। तो नर्सरी पॉन्ड में क्या है, ये देखिए नर्सरी पॉन्ड, डिफरेंट टाइप के हम नर्सरी पॉन्ड बनाए हैं। तो नर्सरी पॉन्ड क्या होता है, हैचिंग पिट से बड़ा होगा, थोड़ा साइज में लार्ज होगा, और नियरर ही होगा हैचरी पिट के नजदीक, ताकि ट्रांसपोर्टेशन के समय ज्यादा से ज्यादा मोर्टेलिटी ना हो। आफ्टर नर्सरिंग पॉन्ड के बाद हम इसको क्या करेंगे, कहां ट्रांसफर करते हैं, रेयरिंग पॉन्ड। ये रेयरिंग पॉन्ड क्या होगा, नंबर में ज्यादा होगा, और आप ये कंपैरिजन करके कंपेयर करके देख सकते हैं कि रेयरिंग पॉन्ड में क्या होता है, फिंगर्स लिंक जो होते हैं, यहाँ फ्राइज जो छोटे छोटे थे वो फिंगर्स के साइज के हो गए हैं, मछलियां मान लीजिए फिंगर लिंक्स है, तो इसको यहाँ पे ज्यादा तैरना होता है, स्विमिंग की ज्यादा, ताकि उसकी अच्छी वेट और लेंथ हो पाए। तो ये पॉन्ड हमारा कैसा होता है, लेंथ में ज्यादा लंबा हो गया, इन कंपेरिजन टू वाइड, यानी इसकी लेंथ क्या है, ज्यादा लंबी है ना, इन सारे कंपेरिजन करके करिए तो, इन विड्थ के कंपेरिजन में, और ये लार्ज नंबर में आपका क्या होगा, रेयरिंग पॉन्ड। रेयरिंग पॉन्ड के बाद हम इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं कहाँ पे, स्टॉकिंग, स्टॉकिंग पॉन्ड। ये देखिए हमने क्या बनाया है, स्टॉकिंग पॉन्ड। तो स्टॉकिंग पॉन्ड भी रेयरिंग पॉन्ड की तरह देखिए लंबा नहीं है। अब यहाँ क्या करते हैं, स्टॉक करेंगे यहाँ पे हम अटेंड, तब तक इसको रखेंगे जब तक वो अच्छे लेंथ और वेट का ना हो, ताकि उसकी हार्वेस्टिंग की जाए, तब तक हम इसको स्टॉकिंग पॉन्ड में रखते हैं और ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, और फाइनली हमारा कहाँ, स्टॉकिंग पॉन्ड के नियर ही हमारा क्या होना चाहिए, मार्केटिंग पॉन्ड या मार्केटिंग प्लेस भी होना चाहिए, कि मोर्टेलिटी ज्यादा से ज्यादा ना हो, और अगर इसको दूर में मार्केट प्लेस में ले जा रहे हैं या दूर कहीं ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो फर्दर उसको प्रिजर्व करके आइस में, या बहुत सारा मेथड है प्रिजर्वेशन का, उसको हम करते हैं। तो यहाँ डिफरेंट टाइप का पॉन्ड है, देखिए ब्रीडिंग पॉन्ड, हैचिंग पिट, नर्सरी पॉन्ड, रेयरिंग पॉन्ड, स्टॉकिंग पॉन्ड, और फाइनली मार्केटिंग प्लेस। ये जो है बीचों बीच में ये दिखाया, यानी हर एक पॉन्ड के बारे में बताया गया कि पॉन्ड में क्या होना चाहिए, हमेशा इनलेट होना चाहिए, यानी हमेशा इसका वाटर सर्कुलेट होना चाहिए, सर्कुलेशन यानी पानी, हमेशा साफ पानी आना चाहिए, और कुछ दिन के बाद हम क्या करेंगे, आउटलेट। ये देखिए इनलेट पानी, साफ पानी आया, और फिर इसकी हम क्या कहेंगे, पॉन्ड की ये क्या है, मतलब ये डायग्रामेटिक फिगर है कि पॉन्ड की हम सफाई, यानी हमेशा इनलेट और आउटलेट जो है ये मेंटेन होना चाहिए। यहाँ देखिए आउटलेट यानी वाटर यहाँ से आया, और फाइनली पॉन्ड में, चाहे कोई भी पॉन्ड हो, चाहे वो आपका नर्सरी पॉन्ड हो, रेयरिंग पॉन्ड हो, स्टॉकिंग पॉन्ड हो, आपका मार्केटिंग पॉन्ड जो मार्केट से पहले जहां पर हम स्टॉक करने के लिए रखते हैं, तो जो भी चीज है इन सब के लिए क्या होना चाहिए, हमेशा ये भी ध्यान रखना है कि इनलेट एंड आउटलेट, हम आउटलेट हमेशा क्या हो, मेंटेन हो। तो ये हमारा मेन मैनेजमेंट है किसका, पीसी कल्चर का। तो बहुत ही इजी टॉपिक था, और फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में। ओके।